स्टूडेंट्स, आज अपन मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे कि पिंडों की टक्कर क्या होती है। कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, टक्कर अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कोलिजन जो है वो अपन 11th क्लास के अंदर फिजिक्स में पढ़ते भी हैं कि पार्टिकल के बीच में टक्कर है वो किस प्रकार से होती है और टक्कर कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो टक्कर के लिए लॉजिक अपन देखें तो टक्कर के लिए कम से कम दो पार्टिकल होने आवश्यक है। अकेला पार्टिकल कभी भी टक्कर नहीं कर सकता है। अगर ये कोई पार्टिकल है, ये इस दूसरे पार्टिकल की ओर गति करे और दूसरा पार्टिकल इसकी ओर गति करे, तो कुछ निश्चित समय के बाद इन दोनों कणों के बीच में टक्कर होगी। और टक्कर के लिए अगर या तो इनका जो संवेग है, जिसको अपन पी इक्वल्स टू एम वी से लिखते हैं, जैसे इस पार्टिकल की बात करें तो इसका द्रव्यमान एम वन है, इसका वेग वी वन है, तो इसका संवेग क्या होगा, पी वन बराबर एम वन वी वन। इसका द्रव्यमान एम टू है, इसका वेग वी टू है, तो इसका संवेग क्या होगा, पी टू बराबर एम टू वी टू। अगर दो कण एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, जैसे ये पार्टिकल इस साइड में गति करे, ये पार्टिकल इस साइड में गति करे, अगर इस प्रक्रिया में इनके बीच में होती है एक क्रिया जिसे अपन बोलते हैं अन्योन्य क्रिया, इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अन्योन्य क्रिया, यानी म्यूचुअल इंट्रैक्शन, इनके बीच में अन्योन्य क्रिया होती है। एक कण, दो कण है एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो इनके बीच में अन्योन्य क्रिया होती है। इस अन्योन्य क्रिया के कारण या तो कणों के संवेग में परिवर्तन हो जाता है या कणों की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसको अपन हाफ एम वी स्क्वायर से लिखते हैं। जैसे पहले पार्टिकल की बात करें तो हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, दूसरे के लिए बात करें तो हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। तो ध्यान रखना है दो कण एक दूसरे की ओर गति करें, जैसे एक पार्टिकल इस साइड से गति करे, एक पार्टिकल इस साइड से गति करे, तो दो कण या तो एक दूसरे की ओर गति करें और इससे अन्योन्य क्रिया होती है। इस अन्योन्य क्रिया के कारण या तो कणों के संवेग में परिवर्तन हो जाए या इनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए, तो इसे पिंडों की टक्कर कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, कण या पिंडों की टक्कर बोलते हैं। तो टक्कर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने पास, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन टक्कर कहते किसे, इसके डेफिनेशन की बात करें, जब दो कण एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, जब दो कण एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, यानी अपने पास दो पार्टिकल हैं एक दूसरे की तरफ, यानी ये पार्टिकल जो है वो इस पार्टिकल की ओर गति करे, ये पार्टिकल इस पार्टिकल की ओर गति करे, जब दोनों कण एक दूसरे की तरफ गति करते हैं तो अन्योन्य क्रिया के कारण इनके बीच में एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं अन्योन्य क्रिया। तो अन्योन्य क्रिया के कारण कणों के संवेग या ऊर्जा में, और ऊर्जा यहां कौन सी ऊर्जा की बात हो रही है, गतिज ऊर्जा की, तो कारण कणों के संवेग या ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यानी टक्कर से पहले एक कण का संवेग कुछ अलग है, दूसरे कण का संवेग कुछ अलग है, टक्कर के बाद में दोनों कणों का संवेग परिवर्तन हो जाए, या टक्कर से पहले एक पार्टिकल की एनर्जी कुछ है, दूसरे पार्टिकल की एनर्जी डिफरेंट है, तो दोनों पार्टिकल अगर टक्कर करते हैं तो या तो उनकी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए। तो जब दो कण एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो अन्योन्य क्रिया के कारण कणों का संवेग या ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को कणों की टक्कर कहते हैं। टक्कर को अपने क्या बोलते हैं, कोलिजन।
तो ये प्रोसेस, ये डेफिनेशन है टक्कर की। रटना ने अपने को कि दो कण एक दूसरे की ओर गति करते हैं और अन्योन्य क्रिया के कारण अगर कणों के संवेग में या ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए तो इसे पिंडों की क्या कहेंगे अपन, टक्कर कहेंगे। अब देखो कुछ टक्कर ऐसी होती है जिसमें कण एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। जैसे दो पार्टिकल है, दो पत्थर अगर टक्कर करते हैं तो दोनों पत्थरों का टकराना आवश्यक है। कई पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बिना टक्कर की हुई टक्कर कर सकते हैं, यानी बिना स्पर्श की हुई टक्कर कर सकते हैं, जिनका टच करना जरूरी नहीं है। जैसे आप कोई दो आवेशित कणों को लीजिए, एक प्लस चार्ज है दूसरा भी प्लस चार्ज है। अगर इनको पास अपन लेके आए तो इनके बीच में बल लगता है, प्रतिकर्षण बल, जो इनको कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं होने देगा, तो वो जो टक्कर है वो दूर से ही हो जाती है। यानी दो आवेशित कण, समान आवेश के कण अगर पास में आते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है जो इनको कभी भी स्पर्श नहीं होने देगा। तो इस टक्कर में दोनों कण स्पर्श हो जरूरी नहीं है, ये पार्टिकल उधर उधर से भी निकल सकते हैं। तो ध्यान रखना है टक्कर के लिए दो कणों का स्पर्श होना आवश्यक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके लिए टक्कर में दो कणों का स्पर्श करना आवश्यक नहीं, यानी टक्कर में जरूरी नहीं है कि दोनों कण एक दूसरे को टच करें यानी स्पर्श करें। इसके लिए बात करें फॉर एग्जांपल, दो समान आवेशित कण बिना स्पर्श किए हुए ही, बिना स्पर्श किए ही टक्कर करते हैं। दो चार्ज पार्टिकल लेके आओ, एक प्लस का चार्ज है दूसरा भी प्लस का चार्ज है, तो जरूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें। ये पार्टिकल उधर उधर से भी होके निकल सकता है क्योंकि ये पार्टिकल है एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षण में दो कण एक दूसरे के टकराएंगे। जैसे अपन बात करें किसी कण को टक्कर करते हैं, जैसे फुटबॉल को किक मारना है तो फुटबॉल को आप किक मारोगे तो उसको स्पर्श करना पड़ेगा आपको। जैसे दो नाभिक है, दोनों नाभिकों के पास समान आवेश है तो वे नाभिक कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगी, उनके बीच में जो टक्कर होगी वो अस्पर्शता की होगी, बिना टच की होगी। तो ये टक्कर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि टक्कर में संवेग जो है वो हमेशा संरक्षित रहेगा। दुनिया में चार चीजें संरक्षित रहती हैं, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ऊर्जा संरक्षित रहती है और आवेश संरक्षित रहता है। तो टक्कर में दो कणों का रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, यह आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कई टक्कर ऐसी होती है जिनमें ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, यानी ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब यह है कि टक्कर से पहले दोनों कणों की जितनी ऊर्जा है, टक्कर के बाद में भी उतनी ऊर्जा मिल जाए तो उसको अपन बोलेंगे ऊर्जा संरक्षित रहेगी। लेकिन कई टक्कर ऐसी होती हैं जिनमें टक्कर से पहले जितनी ऊर्जा होती है उतनी बाद में नहीं होती, यानी कम हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं ऊर्जा की हानि, यानी कई टक्करों के अंदर ऊर्जा की हानि होती है। तो विशेष ध्यान आपको यह रखना है कि टक्कर में रेखीय संवेग, कोणीय की बात नहीं कर रहे अपन, रेखीय संवेग संरक्षण नियम सदैव लागू होता है और ऊर्जा संरक्षित रही है जरूरी नहीं है, ऊर्जा चेंज होगी। तो टक्कर में आपको ध्यान रखना है कि क्या संरक्षित रहता है, हमेशा रेखीय संवेग है वो संरक्षित रहता है, परंतु कुछ टक्करों में ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। हालांकि ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहने वाली क्वांटिटी है, लेकिन टक्कर में अपने को ध्यान रखना है कि कुछ टक्कर ऐसे होते हैं जिनमें ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। अब अपन इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
ध्यान रखना, जब दो कण एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो इनके मध्य अनन्य क्रिया के कारण या तो ऊर्जा परिवर्तित होती है या संवेग परिवर्तित होता है, दोनों में से एक क्वांटिटी है वो परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार की टक्कर को अपने क्या कणों की क्या कहेंगे, टक्कर कहेंगे। टक्कर में दो कणों का स्पर्श करना जरूरी नहीं है, स्पर्श करना आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना है। दूसरा आप किसका एग्जाम्पल देना, दो समान आवेशित कण बिना किए स्पर्श किए ही हमेशा टक्कर करते हैं। फिर अपन ने देखा कि टक्कर में रेखीय संवेग संरक्षण का नियम तो हमेशा वैध रहेगा, लेकिन कुछ टक्करों के अंदर ऐसा होता है कि ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तो ऊर्जा के आधार पर टक्कर को दो भागों में अपन विभाजित करेंगे। अब अपन देखते हैं टक्कर के प्रकार। एग्जाम के अंदर बी पार्ट में टक्कर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और टक्कर के लिए टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछता है एग्जाम के अंदर, टक्कर किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है समझाइए, यानी टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो अपन बात करें टक्कर के प्रकार। टक्कर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कोलिजन। टक्कर के प्रकार के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण, मैंने आपको बताया कि कई टक्कर ऐसी होती हैं जिनमें ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, कई टक्कर ऐसी होती हैं जिनमें ऊर्जा संरक्षित होती है। तो ऊर्जा के आधार पर टक्कर को दो भागों में विभाजित किया गया है, और पहली टक्कर का नाम है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन, इसको कंप्लीट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी अपन बोलते हैं। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहेंगे, देखो यदि टक्कर के अंदर कणों की ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है तो उसे कहेंगे पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, यानी टक्कर से पहले कणों की जितनी ऊर्जा है उतनी टक्कर के बाद में रहती है, तो इसको पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं, ध्यान रखना आपने। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि टक्कर में दोनों कणों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी टक्कर से पहले भी उतनी ऊर्जा थी बाद में भी उतनी, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसे पूर्णतः यानी परफेक्टली प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। ये डेफिनेशन है इसकी, यदि टक्कर में दोनों कणों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपको, तो इसे क्या कहेंगे, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन मान लें ये दो कण है अपने पास, इसका द्रव्यमान m1 है और ये इस साइड में गति करता है, इसका वेग v1 है, इसका वेग v2 है, इसका द्रव्यमान m2 है, या टक्कर से पहले अपन इनके वेग v1 v2 ने मान के इसका वेग मान लेते हैं u1, प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं। तो दो कण हैं क्योंकि टक्कर में दो कण होने आवश्यक हैं कम से कम, ज्यादा कण कितने भी हो सकते हैं लेकिन टक्कर में कम से कम आपके पास दो कण होने जरूरी हैं। तो पहले कण का वेग u1 है, दूसरे कण का वेग u2 है, पहले कण का द्रव्यमान m1 है और दूसरे कण का द्रव्यमान m2 है। फिर अपने को क्या बताना है, ये दोनों कण टक्कर करते हैं
टक्कर के बाद में इसका वेग v1 हो जाता है, और दूसरा जो कण है m2 वाला, इसका वेग क्या हो जाता है? v2 हो जाता है। इसका द्रव्यमान है m1। तो अपन ने क्या लिखा कि टक्कर में कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होती, यानी टक्कर में ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होती। तो टक्कर से पूर्व की अपन बात कर लेते हैं। टक्कर से पहले इस कण की ऊर्जा देखो, गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, तो इस कण की ऊर्जा क्या आएगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर। दूसरे कण की ऊर्जा क्या आएगी? हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो ये टक्कर से पूर्व ऊर्जा है। फिर अपन बात करें टक्कर के पश्चात, टक्कर के बाद में इस कण की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहां इनके वेग चेंज हुए। ध्यान रखना, एक बार कण टक्कर करते हैं तो जितनी टक्कर से पहले स्पीड होती है उतनी बाद में नहीं होती, वेग परिवर्तन होता है। द्रव्यमान में तो कोई चेंज नहीं होता, बॉडी के मास सेम रहते हैं। इसकी आएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसके लिए आएगी हाफ m2 v2 स्क्वायर, कुल कितनी हो जाएगी। फिर अपने ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या लिखें, क्या लिखा है कि ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो टक्कर से पहले जितनी ऊर्जा है उतनी टक्कर के पश्चात रहेगी। ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या लिखेंगे, हाफ m1 यानी टक्कर से पूर्व ऊर्जा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए फॉर्मूला है। तो टक्कर में अपन ने लिखा कि ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इट मींस टक्कर से पहले जितनी ऊर्जा है उतनी टक्कर के बाद में रहनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। इसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसके बाद में सेकंड टक्कर की बात करते हैं। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में ध्यान रखना है कि टक्कर के बाद में कणों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। यानी टक्कर से पूर्व जितनी ऊर्जा है कणों की उतनी ही टक्कर के बाद में होगी। सेकंड अपन बात कर लेते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, परफेक्टली या कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। मैंने आपको बताया था कि कुछ टक्कर ऐसी होती है जिनमें ऊर्जा है वो संरक्षित नहीं रहती है, तो ये वो टक्कर है। तो वह टक्कर जिसमें ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, अर्थात ऊर्जा की हानि होती है, क्या कहलाएगी? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। तो ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में तो आपको ध्यान रखना है कि कणों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितनी टक्कर से पहले एनर्जी है उतनी टक्कर के बाद में होगी। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि इस टक्कर में ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, नहीं रहती है। इसका मतलब या तो टक्कर से पहले ऊर्जा ज्यादा है, टक्कर के बाद में कम है, इसलिए उसमें क्या है, ऊर्जा की हानि होगी। और इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर वो टक्कर होती है जिसमें कोई कण दूसरे पार्टिकल से टक्कर करता है तो उससे चिपक जाता है, यानी ऐसी टक्कर जिसमें दोनों कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जैसे बंदूक से गोली का दागना, जब गोली टारगेट के ऊपर लगती है तो उस दूसरे पार्टिकल से चिपक जाती है। या कई बार अपन
कार्डबोर्ड जो होता है अपना लक्ष्य जो टारगेट बना रहता है उसके ऊपर जो तीर चलाते हैं, तो तीर जो है वो गत्ते के अंदर रुक जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं कि जब ऐसी टक्कर जिसमें दोनों कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं वो किसको बोलते हैं, पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर होती है। यानी इस टक्कर में, कौन सी टक्कर में, अप्रत्यास्थ टक्कर में, इस टक्कर में दोनों कण टक्कर के बाद पहले नहीं चिपकेंगे, पहले चिपकेंगे तो टक्कर कैसे करेंगे, इस टक्कर में दोनों कण टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, कि ऐसी टक्कर जिसमें दो कणों के बीच में टक्कर हो रही है, टक्कर के बाद में दोनों कण एक दूसरे से चिपक गए, चिपकने के बाद दोनों ही समान वेग से गति करते हैं, तो ऐसी टक्कर को भी अप्रत्यास्थ टक्कर कहेंगे। इस टक्कर में दोनों कण टक्कर के बाद समान वेग से गति करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों कण है वो टक्कर के बाद में समान वेग से गति करते हैं। इसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन देख लेते हैं। ध्यान रखना है कि ऐसे टक्कर जिसमें ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर कहलाते हैं। इसमें दोनों कण टक्कर के बाद में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और मैंने आपको बताया कि दोनों कण है वो समान वेग से गति करने लगते हैं टक्कर के बाद में। जैसे अपन ये बात करें कि दो पार्टिकल है अपने पास, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, टक्कर से पहले इसका वेग u1 है, इसका वेग u2 है, और टक्कर के बाद की जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसे है कि दोनों कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2, और दोनों एक ही वेग से गति करने लग जाए, जिसको v से लिख दिया अपन। तो संरक्षित क्यों नहीं रहती ऊर्जा, टक्कर से पूर्व ऊर्जा, टक्कर से पहले ऊर्जा अपन निकालें तो कितनी होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, इस कणों की। इस कण की बात करें टक्कर के बाद, टक्कर के बाद ऊर्जा, तो इसके क्या होगी, हाफ m1 इसका वेग कितना है v, v स्क्वायर, हाफ m2 इसका वेग भी कितना है v, v स्क्वायर, या फिर इसको अपन क्या लिखते हैं, v स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। अर्थात कुछ ऐसा होगा कि टक्कर से पूर्व ऊर्जा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से बराबर नहीं है, यानी इसमें आपको प्लस में कुछ न कुछ क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। लेट अस कंसीडर क्यू, क्योंकि टक्कर से पहले ऊर्जा ज्यादा होती है और टक्कर में दोनों कण एक दूसरे से टक्कर करके अपनी ऊर्जा खो देते हैं, तो टक्कर के बाद में ऊर्जा कम हो जाती है। मैंने आपको बताया ऊर्जा क्या नहीं होती है, तो इनको बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड की है इसमें। इसका मतलब यहां क्यू क्या है, वेहर क्यू क्या है, ऊर्जा हानि है, ऊर्जा की हानि है।